मैं कल ही अपने एक दोस्त हैं, वो बुकिंग मिल रही है और वो ऑयल का भी उन्होंने लगाया हुआ है। काफ़ी देर हम बैठे कर उससे बात मुलाकात हो रही, तो उनसे पूरे स्टैटिस्टिक्स जो एसोसिएशन में भी काफ़ी एक्टिव है, तो उनसे डिस्कशन हो रही। तो मैंने उससे कहा कि भाई क्या सूरत हाल है, तो उसने कहा डॉक्टर साहब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जानकारी के साथ गवर्नमेंट मतवज्जो हो जाए, चीज़ें सही तरीके से पेस्टिसाइड और सीड और ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से अवेलेबल हो जाएं, तो ये जो हम कर्जा लेते हैं सालाना, वो जो है सिर्फ कॉटन की बेहतर फसल के नतीजे के अंदर उसमें कर्जे से तो हम बिल्कुल आज़ाद हो सकते हैं। और इसमें हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं अल्लाह ने ये काम किया हुआ है कि वो बेहतरीन है इस हवाले से, और इसमें कोई मुश्किल नहीं होती कि अगर आप इसको सही करें, बहुत इससे आप जो है वो कमा सकते हैं। करप्शन जो अब बार बार करप्शन का बड़ा गलगला है और होना भी चाहिए, और खुद स्टेट बैंक ने ये बात की है कि जो इस साल का जो बजट था 2,779 अरब का बजट है, तो उसमें स्टेट बैंक ने कहा है कि 1,000 अरब की करप्शन होती है इसके अंदर। अब अगर गवर्नेंस ठीक हो जाए 7% करप्शन तो शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन यह है कि ऊपर की सतह के ऊपर अगर ये करप्शन के जो सिलसिले हैं ये ख़त्म हो, तो इसमें 60-70% अगर करप्शन ही को आप कट डाउन कर लें, तो आप देखें कि कितना रेवेन्यू फिर आपके पास इस हवाले से जो है अवेलेबल है, जो आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वक्त जो आपकी जो फॉरेन इनकम है वो हमारी मईशत या हमारी एक्सपोर्ट की वजह से नहीं है, ये फॉरेन रिमिटेंस है जो बहुत सारा मजदूर और छोटा तबका हमारा पूरी दुनिया में गया है उसकी तरफ से जो आ रही है, तो 11-12 अरब डॉलर सालाना रिमिटेंस है। और ये वो खुद भेजना नहीं चाहते, इस वक्त जो उनकी हालात बन गए हैं ना जी, उनकी फैमिलीज हैं उनको उन्होंने पालना है तो उनके लिए भेजते हैं, वरना जो मुल्क के हालात वो सुनते हैं तो उनका दिल करता है एक पैसा ना भेजें। मेरे दो भाई भी बाहर हैं, वो कहते हैं हम आपस में जब दोस्त अहबाब मिलते हैं तो बड़ा दुख का इजहार करते हैं कि क्या डाकू बैठे हैं हमारे, और हम भेज रहे हैं ये खा भी जा रहे हैं सारे पैसे को, लेकिन मजबूरी है कि फैमिली को चलाना है पीछे, इसलिए वो भेज। अब अगर यहाँ पे दयानतदार की आदत हो जाए तो ऐसे लोग बैठे हैं, मेरा एक बिल्कुल बहुत अच्छा प्यारा दोस्त जो है वो इंग्लैंड के अंदर है, तो वो मुझे कहने लगा डॉक्टर साहब यहाँ पे 3-4 अफराद ऐसे हैं, इतने मतमबल हैं कि ये 3-4 आदमी 70 अरब डॉलर का कर्जा हमारा उतार सकते हैं, और सिर्फ वो इसलिए परेशान होते हैं कि यहाँ अगर कुछ देते भी हैं उसका पता कोई नहीं चलता। अभी ये खुद ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की मैं रिपोर्ट खुद पढ़ रहा था, मैं उसकी रिपोर्ट थी, ये जो हम अमेरिका की जंग के अंदर शरीक हुए हैं और वो कहता है 26 अरब डॉलर हमने दिए, ऑडिटर जनरल ने लिखा है कि इस रकम का कोई इंदराज आमद का मौजूद नहीं है, खर्चे का तो दायरा पता ही कोई नहीं, यानी वो सब आ रहा है वो बाहर ही बाहर कहीं ना कहीं मुंतकिल हो रहा है। और बात समझ में आती है, अब जनरल मुशर्रफ है वो, उसका ख़ानदान कैसा था, माशी तौर पर उसका बाप क्या करता था, ये सब हमें मालूम है, बहुत बड़ा जागीरदार और कारखानादार नहीं था। और आर्मी का जनरल जब रिटायर होता है तो 2 मुरब्बे चले मिल जाते हैं, लेकिन पेंशन अगर आप कितने भी मना लें, 1.5 लाख सालाना अगर माहवार पेंशन मिल रही है, उसमें जो बाहर वो रह रहे हैं मौसूफ, और उनकी सिक्योरिटी भी अब अपनी है क्योंकि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी उनकी विड्रा कर ली है, तो वो उनका आना जाना भागना और ये सारा चलाना, तो ये समझ में आता है कि यहाँ से वसूल करके वहाँ बाहर रखा हुआ ना जी उन्होंने, तो यही काम सबने किया है। अब ये जो बात आ रही है कि जी लेटर नहीं लिख रहे, आप तो माशाल्लाह खुद वकील हैं, हम तो ये बात करते हैं कि भाई अगर आप कहते हैं ये जरदारी का पैसा नहीं है, वो कहते हैं जरदारी का पैसा नहीं है, तो भी खत लिख दें, आपको क्या इतराज है खत लिखने। सुप्रीम कोर्ट ने ये सिर्फ यही डिमांड किया ना, आप खत लिखें। अब सुप्रीम कोर्ट स्विस बैंक को, स्विस गवर्नमेंट को तो किसी भी सूरत मजबूर नहीं कर सकती ना कि वो खत का जवाब दें, या जवाब दें तो इनकी मर्जी का दें, वो अपनी मर्जी का देंगे, ये खत लिखने के लिए भी तैयार है, तो खुद ही समझ में आती है बात के दाल में काला है ना जी सवाल। तो ये अगर चीज़ें आपकी आने वाली क़यादत का डाउन करेगी, तो 1 साल के अंदर अंदर ये मुल्क अपने पैरों पर खड़ा होगा इंशाल्लाह। इसमें मजीद हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जमात का ये एक अच्छा है, ये है कि जो
पढ़ी लिखी लॉट है वो नस्बतन जमात में ज़्यादा है, मईशत के ऊपर भी, हेल्थ पे, तालीम पे, हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स बने होते हैं, इसके ऊपर होमवर्क करते रहते हैं। इसमें इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो एक साल के अंदर अंदर मतलब बिल्कुल ये 180 डिग्री के ऊपर ये कंट्री चला जाएगा। मैटर ये है कि हम सही फैसले कर रहे हैं।